मीडिया के अंदर उर्दू के तरक्की या विकास का जो मसला है वो कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है जिसमें हम ये कहें कि आज उर्दू की ज़रूरत पेश आई उर्दू बेसिकली जब पैदा हुई ये हमेशा से ही एक मीडिया की ज़बान रही एक ऐसी ज़बान जिसके अंदर एक तरसील जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं एक कम्युनिकेशन है जो लोग उर्दू ज़बान के बर्थ यानी पैदाइश से वाकिफ हैं तो उनको पता है इस जबान को बनाई गई इसलिए इसको पैदा इसकी इसकी तरक्की इसलिए हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें जहाँ तक मीडिया की बात है तो उन्नीस के बाद हिंदुस्तान में मीडिया यानी मास कम्युनिकेशन का जो एक तरीकेकार डेवलप हुआ जिसकी तरक्की हुई वो उन्नीस के बाद हुई चाहे प्रिंट मीडिया हो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो और फिर टेलीविज़न आया तो उसमें ये बात लोगों ने महसूस किया कि मीडिया के अंदर ऐसी ज़बान का इस्तेमाल हो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जा सके तो उस हिसाब से उर्दू बिल्कुल एक मीडिया फ्रेंडली जबान थी और उर्दू ना कह करके अगर उसको हम ये कहें कि हिंदुस्तानी जिसके लिए गांधी जी ने भी कहा था कि हमको एक ऐसी ज़बान को तरक्की देनी चाहिए या पूरे भारतवर्ष का हिंदुस्तान का एक ऐसी ज़बान हो जिसको सब लोग समझ सकें तो उसमें उर्दू नंबर वन पे एक ऐसी ज़बान थी जिसको सब लोग पहले समझते थे और उसमें कोई दुश्वारी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी तरक्की हुई उन लोगों ने भी ये किया लेकिन उर्दू के मकाम को कोई दूसरी ज़बान हिंदुस्तान में नहीं ले सकी जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे जहन में एक बात आती है कि साहब अखबार अखबार सिर्फ मीडिया नहीं है मीडिया में हम टेलीविज़न है उसके अंदर फिल्म्स हैं रेडियो है गाने हैं तमाम चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें मीडिया के अंदर शामिल हैं और जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं या बाहर भी हैं फ़िल्म एक ऐसा ज़रिया है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं और इसको इंजॉय करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि उर्दू ज़बान शुरू से ही ऐसी रही शायरी की ज़बान थी और प्यार मोहब्बत की बातें इस ज़बान में की जा रही थी तो लोगों को ये बात बहुत पसंद आती थी तो फिल्म ने सबसे पहले इसको अपनाया कि उस जबान में शायरी की जाए उस ज़बान में अपने दिल की बात कही जाए जो औरों तक पहुंच सके उसकी वजह से फिल्म की वजह से इस जबान को उर्दू ज़बान को एज़ ए मीडिया बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी चीज़ के फ़रोग मिलने में ऐसा नहीं होता है कि सरकार की तरफ़ से ही हो ये हो बल्कि उस जबान के अंदर ख़ुद एक बड़ी ताकत होती है उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है कशिश होती है जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो पॉपुलर होता है तो उर्दू के अंदर वो सलाहियत मौजूद थी और उर्दू के अंदर वो सलाहियत मौजूद है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर से आज अगर टेलीविज़न में आप देखें तो उर्दू ज़बान को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जा रहा है क्योंकि ये एक कढ़ी हुई ज़बान है एक बहुत महजब ज़बान है और शुरू से ही एक बहुत इलीट क्लास की ज़बान है और आवाम की ज़बान भी है तो इस जबान को बहुत पसंद की जाती रही है और आज भी की जाती है। इसी लिए मीडिया के अंदर चाहे आप अखबार उठा के देख लें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल किया किए जाते हैं चाहे उसमें प्रोनंसिएशन का मसला हो या उसमें तलफ़ का मसला हो लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी तकरीबन एक सी जबान है दोनों बहने हैं आपस में बिल्कुल उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी एक सा होता है अल्फाज भी तकरीबन दोनों दोनों की तरफ है भाई जिस तरह हिंदी में संस्कृत के अल्फाज हैं उर्दू के भी हैं और कुछ यहाँ मकामी अल्फाज भी हैं उसी तरह से उर्दू में फ्रांसीसी के अंग्रेजी के हरियाणवी के खड़ी पंजाबी हिंदी संस्कृत तमाम जबानों का एक मखलूत एक मिक्सचर है तो लेकिन सिर्फ अगर फ़र्क है थोड़ा सा तो वो स्क्रिप्ट का है जिसको हम ख़त कहते हैं और उस स्क्रिप्ट की वजह से चूँकि उर्दू स्क्रिप्ट एक आ, आ, अलग से है उसकी वजह से एक तलफ़ का मसला पैदा होता है अगर उसी उर्दू को हिंदी स्क्रिप्ट में डाल दें तो वो जो तलफ़ जो प्रनाउंसिएशन होता है जो वर्ड्स का एक इफ़ेक्ट होता है वो नहीं पैदा हो पाता है इसीलिए आज मीडिया में जो लोग चाहे वो हिंदी मीडियम के लोग हों चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम के लोग हों उर्दू सीखना चाहते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर उसकी अदायगी कर सकें क्योंकि मेरे लिहाज से आ, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन एक परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको परफॉर्म करना ज़रूरी है अब परफॉर्मेंस के लिए ज़बान की बहुत बड़ी अहमियत होती है उसके तलफ़ की अहमियत होती है उसके इफ़ेक्ट की अहमियत होती है मैंने जैसे कि अभी कहा कि मास मीडिया जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट है यानी मास कम्युनिकेशन तो यहाँ पे ये बता देना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन और कन्वे में फ़र्क होता है जब आप किसी चीज़ को कन्वे करता है करते हैं तो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी कह देना होता है लेकिन जब किसी चीज़ को आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें दो तरफ़ा अमल होता है कि जो बात आप कह रहे हैं उस तक समझना ज़रूरी है यानी दोनों तरफ से बात है यानी हम यहाँ पर मैस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ये एक ऐसा कम्युनिकेशन जो मास तक पहुंच सके और मास मीडिया मास कम्युनिकेशन अगर आप इसकी बात करें तो इसकी पहली तारीफ इसका पहला परिभाषा पहला डिफिनेशन ये है कि ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए जिसमें एवरेज से एवरेज रीडर तक भी वो बात पहुँच सके जहाँ तक आपने इसकी बात की कि आज टी वी रेडियो पर रेडियो तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ये नहीं है लेकिन टी वी एक ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खिचड़ी भाषा के नाम जानते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी भाषाएँ चाहे वो टीवी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में सक्सेस नहीं है आज भी हिंदुस्तान के जो व्यूअर्स हैं जो दर्शक हैं वो एक अच्छी भाषा का इंतजार करते हैं अच्छी ज़बान का इस्तेमाल इंतजार करते हैं और वही चैनल देखते हैं जिसमें अच्छा से अच्छा भाषा इस्तेमाल हो रहा हो अच्छी से अच्छी जबान इस्तेमाल हो रही हो और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा चैनल और हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो दूसरों तक नहीं पहुंच सकता जहाँ तक आप इसकी मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं या ट्रांसलेशन की बात करते हैं आज चूंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रहते हैं तो एक दूसरे को समझना एक दूसरे को परखना वो बहुत ज़रूरी होता है तो लैंग्वेज के एतबार से भी हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं अगर कोई चीज़ अंग्रेज़ी में या फ्रांसीसी में है तो हम डिक्शनरी देख के उसके माने निकाल लेते हैं लेकिन एक चीज़ होती है असलाह टर्मिनोलॉजी टर्मोलॉजी को ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है तो आप जो टीवी पे देखते हैं कि कुछ ऐसे टर्मोलॉजी कुछ ऐसी अतलाह जो उसी ज़बान में है उसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम एक बात जो आसानी से लोग समझ सकते हैं तो हम उसका अनुवाद या तर्जुमा क्यों करें एक बात जो आसानी से समझ सकते हैं अगर डिस्टेंट एजुकेशन लोग आसानी से समझ सकते हैं तो हम फासिलती निज़ाम तलीम या इस तरह की बात क्यों करें हम टी तक अगर महदूद हैं तो हमको एक ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको लोग समझ सकें ऐसे अलफाज का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए जिसको लोग समझ नहीं सकते हैं ऐसे अल्फाज और ऐसी भाषाएं ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा हम ये समझते हैं कि कोई उर्दू जानता है तो मास कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा जानता होगा कोई हिंदी जानता है तो दूरसंचार से ताल्लुक रखने वाली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा नहीं ऐसा नहीं है जैसा मैंने बताया ये एक बाकायदा परफॉर्मिंग आर्ट है और उस आर्ट को समझना उसकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग माहिराना सालायत का फरोग उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ कोई नया विषय पढ़ते हैं तो उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं कुछ फंडामेंटल्स होता है उसको जानना ज़रूरी है अगर आप टीवी पढ़ रहे हैं और टीवी पे जा रहे हैं तो अगर न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि फील्ड रिपोर्टिंग क्या होती है आपको ये जानना ज़रूरी है कि एडिटिंग क्या होती है डेस्क क्या होता है न्यूज़ रीडिंग में किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ये सब आपको जानना ज़रूरी है न्यूज़ फ्यूचर्स क्या फीचर्स क्या होता है या आप फील्ड में जा रहे हैं तो कहानी क्या होती है एडेप्टेसन क्या होता है ये सब जानना जरूरी है ये जब भी जान सकते हैं तब जब आप आपका एक आपकी एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से किया जाए और उसमें तमाम चीज़ें बताई जाए तो एक बेहतर मास कम्युनिकेशन और एक बेहतर रिपोर्टर एक बेहतर जर्नलिस्ट बनकर के आप उभर सकते हैं और आख़िर में ये कहना चाहूँगा कि उर्दू भाषा जैसा कि मैंने बताया ये बिल्कुल मीडिया फ्रेंडली है और आज हिंदुस्तान में इस जबान को बहुत पसंद की जाती है चाहे वो अखबार के हवाले से हो चाहे वो टीवी के हवाले से हो चाहे वो रेडियो के हवाले से हो इसमें हुकूमत हिंद या हुकूमत वक्त ऐसी किसी कम्युनिटी और इसकी इस, इसकी ज़रूरत नहीं है बल्कि उसके अंदर खुद ऐसी सलाहियत और मेरा मानना है किसी भी ज़बान के फ़रोग के लिए डेवलपमेंट के लिए किसी मुल्क की सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि उससे लगे हुए लोग उस भाषा की अपनी अंदरूनी सलाहियत उसकी खुद स्प्रिट उसकी ताकत लोगों को अपने तरफ खींचती है और वो भाषा आगे की तरफ बढ़ती चलती है उसकी बहुत सारी मिसालें आज हिंदुस्तान में मौजूद है तो उर्दू भाषा एक प्योर हिंदुस्तानी भाषा है और इसके अंदर ख़ुद ऐसी सलाहियत है कि वो खुद आगे बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है इसमें कोई उस भाषा की अपनी सलाइयत है उस भाषा की अपनी खसूसियत है उसमें बहुत ज़्यादा किसी पैसों का या किसी ख़ास कम्युनिटी का कोई दखल नहीं होता मेरा अपना मानना है भाषा का कोई भाषा की कोई कम्युनिटी नहीं होती है भाषा का कोई धर्म नहीं होता है भाषा की एक जगह ज़रूर होती है जहाँ के जानने वाले जहाँ के रहने वाले लोग उससे प्यार प्यार करते हैं उससे प्रेम करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं यही मुझे कहना है